पास है। तो यार बॉयज हम लोग बैठे हुए थे वर्षा में, ठीक है, और एक आदमी आया। सलाम अलैकुम। क्या हाल है हसीब? अलग शुक्र, आप लोग सब कैसे हैं? खैरियत, आप कैसे हैं आफिफ भाई? बेहतरीन। तो यार हम लोग बैठे हुए थे वर्षा में, हसीब ने भी ज्वाइन कर लिया, कल बाकू की बर्थडे गुजरी, तो हसीब ने गिफ्ट लेना था उसका, चेंज करना था आई गेस, तो वो लेके पहुंचा हमारे पास। तो अब ये सीन है कि हसीब सुना यार, सुबह से मैं पूछे जा रहा हूँ सबसे यार कैसे एक्सपीरियंस रहा दुबई का और कैसा टाइम गुजर है और सब। अल्हम्दुलिल्लाह यार, मैं 11 साल से हूँ और मेरा एक्सपीरियंस तो अच्छा है। जो भी दुबई में जॉब ढूंढने आ रहा हो, मैं रिकमेंड करूँगा हाईली कि इधर आएँ। और आई मीन यहाँ पे बहुत सारी अमेनिटीज़ हैं जो आपको ओवर द लॉन्ग रन, जहाँ जब आप यहाँ रहेंगे तो आप इन्जॉय करेंगे, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, यहाँ पे एक इशू हमेशा रहता है एक्सपर्ट्स का जो भी बाहर से आते हैं, कि यहाँ पे लॉन्ग टर्म में नेशनैलिटी नहीं मिलती, जो कि काफ़ी लोगों का एक गोल होता है, स्पेशली पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश ऐसे कंट्री से जो आ रहे होते हैं। बट अदर देन दैट ये है कि यार यहाँ पे आपको हेल्थ केयर बहुत अच्छी मिलेगी, इंश्योरेंस के अगेंस्ट आप इंश्योर्ड होते हो और आपकी वो सारी फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। यहाँ पे आप कुछ लग्जरीज ऐसी अफोर्ड कर सकते हो जो आपकी शायद परचेजिंग पावर में आ रही हो इन पाकिस्तान, बट बिकॉज ऑफ द टैक्स सिचुएशन इन पाकिस्तान या जो आपके कस्टम्स और ड्यूटीज लगती हैं, उसकी वजह से आपकी परचेजिंग पावर की वही चीज जो है आपको कम क्वालिटी में मिलती है। अच्छा, हसीब सॉरी, एक क्वेश्चन बड़ा सुनने को मिलता है कि यार हम लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज कैसे मिलेंगी और कैसे हम लोग ना अप्लाई करें जॉब्स के लिए, कि अगर कोई जॉब ओपनिंग आ रही है हमें कैसे पता चलेगा, मतलब कोई बंदा पाकिस्तान में बैठा हुआ है तो वो कैसे अप्लाई करे यहाँ पे जॉब्स के लिए? यार रूल ऑफ थंब ये होता है कि जब आपका किसी भी एक कंट्री में जब आप अप्लाई कर रहे हो, सबसे पहली चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए कि यार उस कंट्री में डिमांड किस चीज़ की है। अगर आप जा रहे हैं फॉर एग्जांपल यूएस वगैरह, तो आपको गिवन है कि यार वहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स या आईटी से रिलेटेड जो है हमेशा शॉर्टेज रहती है। तो और आपका अगर उसमें लेट्स से 15 ईयर्स 10 ईयर्स प्लस का एक्सपीरियंस है, तो देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि आपको वो बुला लें और वीज़ा स्पॉन्सर करके और वो सारा कुछ। लेकिन अगर आप स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हो और एक नई जॉब में घुस रहे हो, तो आपको दुबई जैसी जगह पे आना पड़ता है। उसके लिए आप टूरिस्ट वीजा लेते हो, जो कि आपको 3 महीने का निकल सकता है। उसमें आप आते हो यहाँ, कुछ टाइम आप सेविंग्स लेके आते हो, एक अकोमोडेशन ढूंढते हो, फिर आप थोड़ी सी नेटवर्किंग करते हो। अब उसमें ये हो सकता है आप डोर टू डोर कंपनीज जो आपने टारगेट की हुई है वहाँ आप सीवी लेके चले जाओ डोर टू डोर, और आप सीवी ड्रॉप कर दो, किसी एम्प्लॉय से वहाँ बात कर लो, लिंक्डइन पे देखो, फ्लाफा बला। और उस प्रोसेस के अंदर कोई एक चीज अलग ही आ रही है, आपकी किस्मत अच्छी हुई और अल्लाह ने आपके लिए बरकत डाली, तो एक चीज क्लिक कर जाएगी, आपका इंटरव्यू होगा और आपको विद इन द कंट्री फिर वीजा और आपका सारा प्रोसेस। अच्छा, अब जो हमारे फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, ठीक है, फ्रेश बंदे जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, इंटर्नशिप्स का कोई आइडिया है कि कोई इंटर्नशिप्स वगैरह के लिए अप्लाई कर सके यहाँ पे और मिल जाती है इजिली? इंटर्नशिप्स अवेलेबल होती हैं, बट यहाँ पे विजिट वीजा पर कंपनीज प्रेफर करेंगी कि यहाँ पे एक इंटर्न ऐसा हो जिसके पास ऑलरेडी उसका रेजिडेंट वीजा हो। अच्छा, जो यहाँ का ही पढ़ा हुआ हो और यहाँ का ही एक स्टूडेंट हो और उसको ये वीजा, ताकि उनको उसको स्पॉन्सरशिप ना देनी पड़े, एंड लीगली देयर ऑन द राइट साइड ऑफ थिंग्स कि यार आपको, क्योंकि टूरिस्ट वीजा पे एसेंशियली किसी को काम कराना इलीगल है। जब आप किसी को जॉब पे रख रहे हो तो टेम्परेरी वीजा भी निकलते हैं, तो कॉस्ट इफेक्टिव होने के लिए कंपनीज एक टूरिस्ट को जो जीरो एक्सपीरियंस के साथ आ रहा है, लेकिन लेट्स से आपकी यहाँ फैमिली है, आपका थोड़ा बहुत सेटअप है, तो आप आ जाओ यहाँ टूरिस्ट वीजा पे। समटाइम्स अपॉर्चुनिटीज क्लिक कर जाती हैं इंटर्नशिप की भी, बट काफी सारी इंटर्नशिप्स अनपेड भी होती हैं, तो आपको ये चीज माइंड में रखनी है कि आपकी सेविंग्स जो आप लेके आ रहे हो वो कितनी है, इंटर्नशिप पेड है या नहीं है। अच्छा, और पेड इंटर्नशिप्स भी इतनी नहीं होंगी कि आप जो हो यहाँ पे एक सिंगल आप उठ के आए और आप अपनी लिविंग निकाल लो उससे। अच्छा, एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जिस लेट्स सपोज कि मैं अगर पाकिस्तान में बैठा हूँ, तो सारों से पहली चीज़ मेरे दिमाग में ये आएगी कि यार अगर मैं 3 महीने के लिए जा रहा हूँ इंटर्नशिप के लिए, ठीक है, दुबई, तो मेरे दिमाग में तो ये चीज़ है कि यार मुझे पेड इंटर्नशिप नहीं मिलनी है, ठीक है, लेकिन मुझे वो एक्सपीरियंस मिल रहा है तो मैं शायद मूव कर जाऊँ, कि अगर मुझे पेड नहीं भी मिल रही तो मैं मूव कर जाऊँ। एक तो उसका फ़ायदा है या नहीं, दूसरी चीज़ मतलब गल्फ कंट्रीज का ऑब्वियसली फायदा तो है एक्सपीरियंस का, लेकिन दूसरी चीज ये कि लोग क्या माइंड में रख के आए कि 3 महीने में क्या बजट वो रख के आए कि यार यहाँ पे इजीली अकोमोडेशन भी मिल जाए, बाकी जो लिविंग कॉस्ट उनकी निकल जाए और सुकून से रह सके। और तीसरी चीज ये कि अकोमोडेशन कहाँ पे चीप है, कि कहाँ पे उनको लेना चाहिए, या तो वो शेयरिंग पे जाए या अगर अपना अपार्टमेंट ले रहे हैं तो मतलब क्या दिमाग में वो रखें। एक्सपीरियंस ये है कि यार आपका अगर ओवरऑल टारगेट है कि यार आपको यहाँ काम करना है गल्फ में, बहरीन है, दुबई है, कतर है,
सऊदी है, अगर ये कंट्रीज आपके टारगेट उसमें हैं तो ऑफ कोर्स इंटर्नशिप भी चाहे हो, आप अपना जीसीसी का एक्सपीरियंस स्टार्ट कर रहे हो और उस पर बिल्ड कर रहे हो, तो एनीवेज इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट. तो और कोई भी चीज़ यार लाइफ में कभी भी ज़ाया नहीं जाती, कोई भी आप छोटी सी किसी भी लर्निंग प्रोसेस में घुसो, इट्स नेवर अ वेस्ट. तो वो एक चीज़ हो गई. और अगर आप आ रहे हो तो आई थिंक आइडियली आपके पास मे बी समवेयर अराउंड 15,000 dirhams होने चाहिए for three months 15 to 20,000 dirhams हो. This is a very comfortable estimate. और जाहिर सी बात है अगर आप स्टार्ट पे हो, आपकी रिसोर्सेज कम हैं, तो आप यही चाहोगे कि यार मैं मैक्सिमम बजट में रहूँ, तो उस केस में आप शेयरिंग की ऑप्शन ढूंढोगे जो कि बहुत ज्यादा अवेलेबल हैं. आपको मे बी 1,000 to 1,500 dirhams में मंथली एक रूम मिल जाएगा. सम ऑफ देम इंक्लूड इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड ऑल दैट. तो फिर रह जाता है आपके खाने पीने का. तो ये जो मैं एस्टिमेट दे भी रहा हूँ ये एक जनरस एस्टिमेट है. मे बी 10,000 dirhams तक में भी आप 3 महीने नेक टू नेक रह के सर्वाइव कर सकते हो. और एरियाज जो हैं, एरियाज से इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, बिकॉज जहाँ शेयरिंग की ऑप्शन हैं वो थोड़ा हाई एंड एरियाज में भी हैं, लोअर एंड एरियाज में भी हैं. ज्यादा मैटर करता है आपकी जॉब कहाँ है. तो एरिया आप जॉब के हिसाब से सिलेक्ट करते हो, प्राइसिंग के हिसाब से नहीं, क्योंकि शेयरिंग ऑप्शंस, क्योंकि दुबई में इतना एक्सपर्ट है, आपको शेयरिंग ऑप्शंस हर एरिया में मिल जाएंगे. सही. और अभी जॉब मार्केट की अभी क्या सिचुएशन है? इस वक्त अच्छी है. अच्छी है इस वक्त, अच्छी है इस वक्त. जॉब्स आई हुई हैं, इस वक्त मार्केट ऊपर है. ठीक है. मेरी अभी कल एक एचआर वाले से बात हुई है, तो वो कह रहा था कि इस वक्त जो है मार्केट में काफी अपॉर्चुनिटीज हैं, तो नाउ इज अ गुड टाइम टू अप्लाई. सही. थैंक यू सो मच हसीब. यू वेलकम. मैं काफी टाइम आपसे पेमेंट मैं फिर हाँ वो कर लेते वो कर लेते हैं. और चलो बॉयज, आज के लिए मेरे हाथ से इतना काफी. थैंक यू सो मच हसीब. तो यार इस टाइम पे मैं हूँ सुबह रियलिटी, यहाँ पे मेट्रो स्टेशन है उसके करीब करीब रुके हैं. अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से? बिल्कुल ठीक. कहाँ से आप? मैं पाकिस्तान से. अच्छा, जबरदस्त. कौन सी जगह से? मैं इस्लामाबाद से. इस्लामाबाद से? ठीक 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 ठीक. तो कितना टाइम हुआ आपको दुबई में? मुझे अराउंड 13 years हो गए. 13 years हो गए. आपका नाम? मेरा नाम आतिफ. आतिफ, ठीक ठीक ठीक. अच्छा आतिफ, मुझे ये बताएं कैसा टाइम गुजर रहा है आपका दुबई में? सर टाइम तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजर रहा है, और 13 years गुजार चुके हैं. सही. और ये है कि यहाँ पर अगर आप देखा जाए तो एक तरह से बहुत ही बेहतर है हमारे पाकिस्तान के नस्बत भी अगर हम देखते हैं, लेकिन हम मिस तो अपने पाकिस्तान को बहुत करते हैं. exactly, आपको पता है जैसे तो है. जब भी हमारा जब हमें जाना पड़ता है तो हम वही खुशी और वही सब कुछ लेके जाते हैं, और वही इसी उम्मीद से जाते हैं कि यार हम लोग बाहर जैसे मुसाफिर बन के यहाँ पर रह रहे हैं. अपना पाकिस्तान में अगर ऐसा होता तो हम ज़रूर रहते. तो टाइम को देखा जाए तो टाइम बहुत क्विक गुजर रहा है, लेकिन यही बात है कि हमने अपनी एजुकेशन सारी पाकिस्तान से कंप्लीट की. बिल्कुल. और यही अगर हम पाकिस्तान को सर्व करते तो हमें सर्व करने में अच्छा भी लगता. एग्जैक्टली. लेकिन आपके पास अपॉर्चुनिटीज वहां पे नहीं है. अपॉर्चुनिटी नहीं है. बिल्कुल. तो आतिफ, आप मुझे आतिफ है? जी आतिफ. आतिफ, मुझे आप ये बताएं कि हमें मोस्टली ये चीज सुनने को मिलती है और लोग हमसे पूछते हैं कि दुबई में अगर जॉब ढूंढनी हो तो कैसे ढूंढी जा सकती है और लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ किस तरह मिल सकती हैं? सर दुबई में अगर आप देखा जाए तो हम लोग यही कहेंगे अपॉर्चुनिटी हमारे पास बहुत है. ठीक है. हमारे पास आपको अगर यहाँ पे कोई अगर न्यू बिगनर आता है और अगर वो जॉब सर्च करना चाहता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हमारा टिपिकल वे है, क्योंकि हम यूएई में पाकिस्तानियों के लिए या इवन नॉट पाकिस्तानी इवन इंडियंस एंड नेशंस के लिए वहाँ से बैठकर हम लोग जॉब करते हैं, तो वो आप कह सकते हैं 5% हमें चांसेस होते हैं. तो हम लोग जब खुद ऑन ग्राउंड इस सिचुएशन में आते हैं, जब हम लोग वीज़ा विजिट वीज़ा लेकर आते हैं और हम जॉब सर्च करते हैं, पहले तो ऐसा होता था कि हम डोर टू डोर सीवी ड्रॉप करने जाते थे. बिल्कुल. लेकिन अब यहाँ पे इन्होंने डिफरेंट किस्म के हमारे पास आपको पता है कि दुनिया जो है वो डेवलप हो गई है. इवन यूएई जो है वो अब टॉप 10 में आ रहा है, जो ई मार्केटिंग में आ रहा है, ई कॉमर्स में आ रहा है. तो इनके डिफरेंट्स आप देखा जाए तो वेबसाइट्स हैं, इनके डिफरेंट लिंक्स हैं, इनके डिफरेंट वेज हैं जिससे हम जॉब सर्च कर सकते हैं. लिंक्डइन हो गया. एग्जैक्टली. लिंक्डइन हो गया. और प्लस आप लोगों को ये, मैं अगर आप मुझसे सजेशन मांगते हैं जो मैं अपने फ्रेंड्स को भी देता हूँ, कि अगर आप लोग आना चाहते हैं आने से पहले आप लोग एक रिव्यू करके आए. वेबसाइट्स इजीली यू कैन फाइंड इट इन द गूगल, इट्स नॉट डिफिकल्ट, तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं. अगर आपकी जो फील्ड है, आने से पहले आप लोग देखें कि मैंने कौन कौन सी जगह को टच करना है और किस किस जगह में जाके काम करना है, वो आप कर सकते हैं. आतिफ, मोस्टली मुझे जो ये चीज़ सुनने को मिलती है, मेरा तो अभी थोड़ा सा टाइम हुआ है दुबई में, कि आपको क्या सैलरी पैकेज मिले तो आपको मतलब ज्वाइन कर देना चाहिए, मतलब दुबई आ जाना चाहिए, कि मतलब क्या एग्जैक्टली क्या स्पेसिफिक पैकेज है जिस मतलब जो आपको मिलता है तो आप दुबई मूव कर लो, जिसमें आप इजीली एकोमोडेशन भी अफोर्ड कर सको
अपने लिविंग एक्सपेंसेस भी निकाल सको और उसके साथ ये कि आप सेविंग भी करके घर भेज सको, तो वो मतलब क्या होना चाहिए? सर मैंने तो 13 साल में ये नोट किया है कि अगर आप फॉर एग्जांपल ये सोच के आते हैं कि अगर मैं, दो किस्म के लोग यहाँ पर आते हैं, सही है, एक जो फ्रेश ग्रेजुएट होते हैं और एक जो होते हैं कुछ साल एक्सपीरियंस लेकर आते हैं। बिल्कुल, जो फ्रेश ग्रेजुएट आते हैं वो तो यही कहते हैं कि यार मुझे एक स्टार्टअप चाहिए, मुझे एक किकअप चाहिए कि जिसकी वजह से मैं स्टार्ट हो सकूं। अच्छा, वो चीज़ आते, वो चीज़ है भी एक तरीके से बड़ी अच्छी है कि मतलब जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं अगर उन्हें गल्फ कंट्रीज का अगर एक्सपीरियंस मिल जाता है और वही बंदा मतलब उनके साथ के अगर साल का अगर एक्सपीरियंस उन्हें गल्फ कंट्रीज का मिल रहा है और गल्फ कंट्री का मिल रहा है और अगर वही उनके साथ के बंदे जो कि 3 साल या चार से पाँच साल अगर काम करते हैं पाकिस्तान में, तो मेरे ख्याल से ये एक्सपीरियंस ज़्यादा बेहतर है, बहुत बेहतर है। तो मैं यही आपको भी बताना चाह रहा था, जो कि जॉब कर कर आते हैं और वो लोग ये उम्मीद पर आते हैं कि यार मैं पाकिस्तान में जॉब कर कर आया हूँ, लेकिन यहाँ की मार्केट पाकिस्तान की मार्केट से बहुत डिफरेंट है। बिल्कुल, सबसे बड़ा हमें प्रॉब्लम आता है, इवन इफ़ यू आर एजुकेटेड, लेकिन हमें प्रॉब्लम आता है लैंग्वेज बैरियर का। बिल्कुल, क्योंकि आपके पास डिफरेंट नेशनैलिटी के लोग काम करते हैं, लैंग्वेज बैरियर को बहुत करता है। लेकिन मैं तो यही बोलूँगा कि इवन यू आर एजुकेटेड और नॉट एजुकेटेड, आप ये सोच कराओ, बेशक आपका 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस है, जो मेरे फ्रेंड्स भी आते हैं, आप लोग ये सोच कराओ कि यार मैंने यहाँ पे अपना स्टार्टअप अभी लेना है। अगर आप 10 साल पाकिस्तान में जो जॉब करें, पाकिस्तान में एक टिपिकल आप, हमारी जॉब है सुबह 7 बजे जाना है, 4 बजे जाना है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपका यही टाइमिंग होती है, लेकिन इस टाइमिंग के अंदर आपको एक गोल दिया जाता है, एक टारगेट दिया जाता है। इवन इफ यू अचीव दिस टारगेट विद इन 10 आवर्स और इवन यू अचीव विद इन टारगेट विद द टाइम ऑफ पीरियड विच इज हमारी कंपनी का जो हमारा होता है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि यार अगर आप लोग पैसों को पैकेज को देखोगे तो वो पैकेज स्टार्टअप में हमें बहुत कम मिलेगा। मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ, मैं किसी और की तरफ जाता भी नहीं हूँ, मैं हूँ पेट्रोलियम इंजीनियर, मैं जब यहाँ पे आया था तो मैं वो 1500 दरहम पे काम कर रहा था, सही हो गया, और आज मैं जो हूँ 20+ को टच कर रहा हूँ। लेकिन क्या है कि आप जब स्टेप टू स्टेप आगे जाओगे उसमें आपके पास दो चीज़ें होंगी, एक आपको मार्केट की वैल्यू पता चलेगी, दूसरी बात है आपका मार्केट में नाम बनेगा, और सबसे बड़ी बात है जो आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा तो फिर आपको जॉब के लिए नहीं जानी, आपको कंपनी से अटैच करेंगे, आपको कांटेक्ट करेंगे। तो मैं ये कहता हूँ कि सोच कर ये आओ कि यार मैं कोई बिलियन या मिलियन एवर नहीं हूँ, मैं एक नॉर्मल से एम्प्लॉई हूँ, आइदर मेरी फील्ड में मुझे मेरी जो जॉब मिलती है मैं उसी में कंटिन्यू करूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आतिफ आपको बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया, मुझे आपने सिर्फ ये बता देना है कि यहाँ पे अकोमोडेशन कहाँ पे चीप है, मतलब अगर पाकिस्तान से कोई बंदा आता है तो वो कहाँ टारगेट करे, अपने अकोमोडेशन कहाँ पे रखे? देखिए अकोमोडेशन यहाँ पे आपको मिलती है शेयरिंग में, ठीक है, अकोमोडेशन के वैल्यू को देखा जाए दैट विल कॉस्ट यू अराउंड, इट्स लाइक इफ यू वांट टू टेक इन वन शेयरिंग बेडरूम एंड वन बेडरूम में आपके पास 5 से 6 बंदे होते हैं, डिपेंड करता है एरिया वाइज, लेकिन मैं अगर आपको रफली कह दूं कि आप 400 से 500 दरम के बीच में मंथली इजीली गुजार सकते हो, लेकिन सरवाइव करना है हमारा मेन टारगेट, वहाँ पे रहना नहीं है, मेन टारगेट है वहाँ पे हमने रह कर सरवाइव करके फिर हमने अपने स्टेप ढूंढना है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान से आते हैं तो हम पाकिस्तानी करेंसीज को दरहम में कन्वर्ट करके आते हैं, तो वो हमें एक्सपेंसिव फील होती है, लेकिन वो हमारे पास रहने के लिए नॉर्मल वे है। तो आपको शुरू में स्ट्रगल करनी पड़ेगी, सर्वाइव करना पड़ेगा, लेकिन आफ्टर ऑल एट द एंड ऑफ द डे सक्सेस है हमारे पास, है हमारी किस्मत है, सब कुछ एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच आतिफ, आपने इतना टाइम दिया, व्यूअर्स को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूँगा अगर आप लोगों का प्लान है आने का, तो हम बैचलर में जब स्टडी कर रहे थे हम कहते थे जितना हम रिस्क लेंगे उतना हमें रिटर्न मिलेगा। बिल्कुल, तो अगर आप लोगों को लेना है रिस्क तो यूएई की, इवन गल्फ मार्केट में अगर आप पूरा मिडल ईस्ट को देखते हो तो दुबई ऐसी मार्केट है जिधर आपकी सैलरीज भी अच्छी हो सकती हैं, जिधर आप बहुत सीखने को भी मिल सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे मल्टीनेशनल लोगों के साथ काम करोगे, और अगर यहाँ से अगर आप यूरोप की तरफ जाना चाहते हो अपने एक्सपीरियंस लेके तो वो आपके लिए इजी है, इवन आपके यहाँ का एक्सपीरियंस आपके यूरोप में माना जाता है। बिल्कुल, लेकिन गल्फ कंट्रीज में, मिडल ईस्ट कंट्रीज में यूएई सबसे बेस्ट कंट्री है जो मैं सजेस्ट करूँगा। बिल्कुल, और उनको बता दें कि वो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जी बिल्कुल, भाई का चैनल आपको बिल्कुल सब्सक्राइब करें और इनको लाइक करें, कमेंट्स करें। टू बी वेरी फ्रैंक, व्लॉग बना रहे हैं, इट्स नॉट अ ईजी जॉब, और आपको नहीं पता कि ये इजी जॉब है या नहीं, हम तो समझते हैं यार कैमरा लेके आगे खड़े हो जाते हैं, लेकिन इट्स वेरी डिफिकल्ट जॉब, ट्रस्ट मी, इट्स टेक टाइम इवन फॉर आवर एडिटिंग एंड एवरीथिंग। तो इनकी जो ये जो आप लोगों को बता रहे हैं, लेकिन इवन आई डोंट नो ये कौन है, किधर से आया, इन्होंने मुझसे एक आइडिया पूछा, मुझसे इंटरव्यू लिया कि यार आप व्यूवर्स को क्या बताना चाहते हैं, तो मैं यही कहता हूँ, देखें
अब इनके थ्रू पे आप लोगों के पास इस वीडियो से काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो वो इन्फॉर्मेशन जब आप मिलेगी तो इनका भी कोई राइट्स होता है कि यार इन लोगों को भी अगर आप लोग मोटिवेट करेंगे, मोटिवेशन देंगे, तो ये जो है आगे बढ़ सकते हैं और न्यू आइडियाज़ ले सकते हैं, आप लोगों को न्यू अपडेट दे सकते हैं। एज़ कंपेरिजन यूट्यूब में आप बहुत देखेंगे लेकिन जो फिजिकल एक्सपीरियंस आपको बहुत कम मिलेगा। तो आप इन लोगों की हेल्प करें ताकि इन लोगों को मोटिवेट करेंगे तो ये आप लोगों को हर किस्म की अपडेट दे सकेंगे। तो मैं यही कहूँगा कि ये सोच के करें कि यार आप लोगों के लिए ये अच्छा है, अगर आप देखेंगे तो आपके साथ 10 बंदे अटैच होके देखेंगे, 10 में से 100 में से किसी एक का भी भला हो जाएगा तो हम एज अ पाकिस्तानी यही कहेंगे कि यार हम लोग अपना एक नाम बनाएं। तो इनको मैं यही कहता हूँ कि यार आप कमेंट्स करें, क्वेश्चन आंसर करें, आपकी हेल्प करेंगे, दैट्स इट। थैंक यू सो मच आतिफ, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा और आई गेस काफ़ी आपने उनको भी बता दिया, आप जो यहाँ पे एक्सपीरियंस कर रहे हो, खुद रह के यहाँ पे कर रहे हो फिजिकली, मतलब आप काफ़ी कुछ बता चुके भी हो और काफ़ी हेल्प भी उन्हें मिल जाएगी जो कि अभी मूव कर रहे हैं दुबई। थैंक यू सो मच आतिफ, टेक केयर ब्रदर।